आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। मिजोरम से असम में एंट्री करने वाले सभी वाहनों की होगी जांच। असम ने दिए मिजोरम से आने वाले सभी वाहनों की जांच के आदेश। असम के लखीमपुर जिले के इस्लामपुर गांव में चारों ओर भरा पानी। गांव के लोगों ने पंचायत पर लगाया घोटाले का आरोप। 2 वर्षों बाद मीराबाई चानू ने खाया घर का खाना। लोगों को सादगी से हुआ प्यार। अब समाचार विस्तार से। असम सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि मिजोरम से असम में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की प्रतिबंधित मादक पदार्थों को लेकर जांच की जाएगी। असम की सरकार ने ये अधिसूचना गुरुवार को जारी की है। कुछ दिन पहले ही 2 पुलिस बलों के बीच हुई झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की हत्या कर दी गई। इस अधिसूचना से पहले असम सरकार ने सुरक्षा के खतरों के मद्देनजर नागरिकों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दी थी। असम सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के दौरान पाया गया अधिकांश मामले सीमा पार मिजोरम से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। मिजोरम के माध्यम से अवैध दवाओं की तस्करी समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता और खतरा है। एक नम इस्लामपुर और दोनों इस्लामपुर के बीच में एक नदी है जहां पंचायत कई बार अपना पैसा एलोकेट किया है रास्ता को ठीक करने के लिए, ताकि स्थानीय जो पब्लिक है इन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और जो पंचायत का मेंबर है, प्रेसिडेंट है, ये सब मिलके वहाँ जो काम करते हैं उसमें घोटाला होता है, सही तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो रास्ता अभी भी भंगन है। और फ्लड की टाइम नहीं है, फिर भी फ्लड वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जो कोविड के टाइम में भी परिस्थिति बहुत ख़राब है, और ये पानी की वजह से सभी को बुखार वगैरह हो रहा है। तो ये जो अपील है, जो लोकल पब्लिक का अपील है कि वो जो एक्नोंग इस्लामपुर और दुइनोंग इस्लामपुर के बीच में जो नदी है, जिसकी वजह से स्थानीय वहाँ लोकल पीपल को जो दिक्कत आ रहा है उसको ठीक किया जाए कोई स्कीम के द्वारा, यही सब लोगों का रिक्वेस्ट है, अपील है टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड टू द पंचायत ऑफ दैट एरिया। नमस्ते, मैं हूँ यार कलाम, IHRC न्यूज़ 24x7। मैं अभी मौजूद हूँ असम के लखीमपुर ज़िले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव में, जिस गांव का नाम है एकनंग इस्लामपुर। इस गांव का भारी समस्याएं है, बहुत सारी समस्याएं इस गांव में पधारे हैं, और ये सारे समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग अपने सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के इस्लामपुर और एकनंग इस्लामपुर और 2 नंबर इस्लामपुर के बीच में से एक नदी गुजरा है। इस नदी के दोनों तरफ से कुछ लोग, जैसे कि अपने लोगों ने ही अपने सीमा पर कुछ गच्छी भी लगाए हैं, कुछ पेड़ पौधा लगाकर यहाँ से नदी उस तरफ भगाने के लिए कोशिश जारी है। यहाँ पर सारे लोगों का, ये नदी के पार में जितने लोग रहते हैं, ये लोगों का यही कोशिश है कि इस तरफ मेरा, इस तरफ से उस तरफ नदी को भगाया जाए। ठीक इसी तरह से कोई कोई भेटा भी लगा चुका है। यहाँ नदी देख सकते हैं आप लोग सरे के, यहाँ पर गाड़ी आते थे पहले ये रास्ता से, पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से पहले गाड़ी आता थे, अभी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो गरा कहनिया है, गरा कहनिया के अंदर भी और गलम तक ले आ बच्चों ने यहां बाहर बारे तो कम से कम 5000 बेटा ये यहां का ये कहता है मदरसा पापा तुम देखो सरकार द्वारा क्या बात है, क्या बात है, बेटा तो पानी दे पर मतन ये तो इनका मना पानी आते हैं सारा पानी दे रहा है बस्ती तो देकर ये नदी को नदी के सफा करने की जो काटिंग करके थोड़ा सफा करने की जो मांग है, ये लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से। तो हम यहाँ के 2-4 लोगों से बात भी करेंगे। कम से कम तो जो बैठा है तो लगा है तो तेरा बाप ना कितना इतने बैठा थे इस हालात के बारे में मैंने हेल्पर बैंक का मर्डर ना यू इन लोगों से सरकार के द्वारा इतने स्कीम आए स्कीम आए हुए हैं, सारे स्कीम पंचायत द्वारा काम किए जाते हैं, पंचायत द्वारा जो काम किए जाते हैं उनमें भी घोटाला होता है। इन लोगों का यही कहना है कि ये सरकार से कुछ सुविधा देकर, सरकारी तरफ से कुछ सुविधा एक स्कीम देकर यहाँ इस नदी को सही तरह से पानी जाने के लिए रास्ता बना देने के लिए मांग है।
तो आइए हम पूछते हैं यहाँ के पब्लिक से, दो चार लोगों से हम यह पूछेंगे कि यहाँ का भारी मात्रा समस्या क्या है। यहाँ जो नदी है, इस नदी के दोनों पार से आदमी जो भेटा लगाए हुए हैं, स्पार्क लगाए हुए हैं, इसका स्पार्क की वजह से ये रास्ता भी नदी का पानी टूटा के लेके जा रहा है। आप लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, गाड़ी नहीं आती यहाँ पर। आप लोग का यही मांग है? हाँ, हम लोग का यही मांग है, ये रास्ता पे नदी भांगन होता है, भांगन की तरफ से ये गाड़ी जा नहीं पा रहा है। ये भांगन ठीक करने के लिए हम लोग सरकार से अपील करता हूँ। धन्यवाद। और ये जो झाड़ी गच्ची है, पेड़ पौधा है, लगाकर नदी में जो पानी उभरने का जो काम हो रहा है, भेटा जैसा बन चुका है, स्पार्क जैसे बन चुका है, ये गच्ची लोग को उसके मालिक की तरफ से कोई सहाय सुविधा तो मिला ही नहीं आप लोगों को? नहीं, नहीं। और ये यहाँ से जो पानी गुजरने के लिए जो हालात है, पानी नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ लग के पानी ऊपर उठ जाता है, इसके बारे में भी आप लोग क्या कहते हैं? एक भला था उसको करना होगा, छपा करना होगा। तो सरकार से आप लोगों का यही मांग है कि थोड़ा एक स्कीम डाल के यहाँ पर सरकार इस नदी को सफा कर दे, दोनों तरफ से स्पार्क बना के बना दे। धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरीज में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के चर्चा दुनिया भर में है। उन्होंने पहला मेडल जीता, भारत का नाम रोशन किया। मीराबाई ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो अपने परिवार के साथ खाना खा रही हैं। पर बड़ी बात यह है कि वो 2 वर्षों बाद घर का खाना खा रही हैं। इस फोटो को उन्होंने अपने ट्वीट पर शेयर किया है। वो लिखती हैं, वो मुस्कान जो घर का खाना 2 वर्ष खाने के बाद आपके चेहरे पर आए। इस फोटो में देखा जा सकता है कि वो जमीन पर बैठी हुई हैं और खाना खा रही हैं। इससे पहले उन्होंने परिवार के साथ 2 तस्वीरें शेयर की थी। इसमें भी उन्होंने बताया था कि वह 2 साल बाद अपने परिवार से मिली हैं, जिसके एहसास को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी अम्मा और बाबा दोनों के बलिदानों को ही इस जीत का वजह बताया है।